व्हाट्स अप माय टू फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। फिर से लौटे हैं नए बेहतरीन ब्लॉग के साथ। सो आज हम आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं कानपुर का जू, पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको। आज हम वहीं आए घूमने, तो आपको भी घुमाएंगे अपनी वीडियो के जरिए। हमारे साथ में हमारा फ्रेंड समीर। हेलो गाइस। तो आज हम लोग पूरा चिड़ियाघर, पूरा कानपुर जू एक्सप्लोर करेंगे, तो बने रहिए ऐसे वीडियो में, काफ़ी मज़ा आने वाली है आपको आज। तो ये है यहाँ का एडवेंचर पार्क जू का, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं जाल के अंदर, ये है ब्लैक बियर, काला भालू, जो कि अभी उधर मुंह घुमा के बैठा हुआ है, अंदर आराम कर रहा है, इधर नहीं देख रहा है। ये देखिए इसका बोर्ड लगा है। हम तो दिखाने आए थे आपको, खुद भी देखने हैं, लेकिन वो भाई साहब नवाब हैं, उधर घूम के बैठा है, देख ही नहीं रहा इधर, तो इतना ही दिखा सकते हैं आपको। और ये हैं हमारे कंट्री के नेशनल एनिमल मिस्टर टाइगर साहब, जो कि अभी आराम कर रहे हैं। ये भी आजकल गर्मी में सब आराम ही कर रहे हैं भाई साहब, पता नहीं किधर देख रहे हैं, इधर देख तक नहीं रहे हैं, पता नहीं किसे घूर रहे हैं। इधर भी देख ले वे, तो काफ़ी दूर बैठा है, हमने जूम किया है तब जाके इतना आपको दिख रहा है, देख। और ये एक और दूसरा हुआ, ये भी लेटा हुआ है, तो शायद सो रहा है, ये तो आराम कर रहा है भाई। बड़े आलसी हैं यहाँ के टाइगर और ज़्यादातर मोस्टली जानवर। ये देखो कहीं भालू कहीं और पड़ा है, ये देखो आराम से, ये भी पड़ा है, टहलता हुआ कोई दिख ही नहीं रहा जल्दी। चलो आगे देखते हैं, ये दिखा टहलता हुआ, ये है अपना देसी बियर, देसी भालू। ये कर रहा है रैंप वॉल्क, ये देखिए, ये देखिए, इसे तो ऐसा लगा ट्रेनिंग दी गई हो, शो कर रहा है। देखो ये मस्त लगा मुझे, पूरा शो दे रहा है अपना। ये देखिए पलट बोलने पे पलट भी जा रहा है, मतलब समझदार भी है काफ़ी, हम लोग की लैंग्वेज भी समझता है, जैसे पलट बोलते हैं पलट भी जा रहा है। तो ये तो मुझे मस्त लगा भाई साहब। अब चलिए आगे भी देखते हैं क्या है। सो अब बारी है राइनोसोरस देखने की, मतलब गेंडा। तो वो भी अब ये भाई साहब अभी खाना खाने में लगे हुए हैं अपना, इनका भी ब्रेकफास्ट हो रहा है, बड़े आराम से खाने में लगा हुआ। दुनियादारी से मतलब नहीं, कितने लोग मुझे देखने आए कितने नहीं आए उससे मतलब नहीं कुछ, खाने में लगा हुआ है। और इसकी स्किन देखिए, स्किन बड़ी मजबूत होती है, बुलेट प्रूफ स्किन होती है इसकी, आराम से देखो देख तक नहीं रहा भाई साहब। तो जाते टाइम तो हमारे टाइगर साहब आराम कर रहे थे, निकले नहीं बाहर, थोड़ा बहुत दूर से देख पाए। अब वापस आते टाइम घूम के, जब सब कुछ घूम के एक्सप्लोर करके वापस आएंगे, शायद दिख जाएं, तो अभी तक के लिए इतना ही। यहाँ पे हमें देखने को मिल जाती है रेलगाड़ी, वो भी पुराने टाइम की, देखने में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये देखिए डायनासोर हैं, मैं बता देता हूँ, मिलवा भी देना। तो ये हैं डायनासोर, आप सोच रहे हैं ये हिल क्यों नहीं रहे हैं, तो इन्हें इनके फ्रेंड स्टैचू बोल के चले गए हैं, इसलिए हिल नहीं रहे हैं और स्टैचू बन के खड़े हुए हैं। और इन्हें तो आप पहचान ही गए होंगे, इन्हें कौन नहीं जानता है, ये हैं हमारे सलमान भाई का फेवरेट एनिमल, काला हिरण। ये हैं वो जिनके आंसू बड़े मशहूर हैं, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ क्रोकोडाइल की, जो कि अभी आराम कर रहे हैं पानी में, घूम घूम के अब ऊपर आके आराम कर रहे हैं सबके सब, पूरी फैमिली, दो तीन तो सो भी रहे हैं सारे, जिसे देखो यहाँ सो ही रहे हैं सब, आलसी जानवर हैं यहाँ के कानपुर के, सुस्ती फुर्ती नहीं है, बस उसी में लगी थी काले भालू में। बाकी जिसे देखो कोई लेटा है, कोई आराम कर रहा है, कोई सो रहा है, क्या यार एनर्जी नहीं, लेजी हैं साले सब। चलो कोई नहीं, इन्हें भी सोने देते हैं और अब आगे चलते हैं। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये है फिश हाउस, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी तरह तरह की मछलियाँ, फिशेस। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ओ भाई साहब, इसे बोलते हैं
कुदरत का करिश्मा। ये देखिए कितनी कलाकारी से बनाया है ऊपर वाले ने सर। आगे देखते हैं, वो देखने में भयंकर लग रही है। ओ भाई साहब ये देखिए, ये काफ़ी बड़ी भी है और मछलियों से देखते हुए। और ये देखिए कुछ सोच रही है, ये अकेली है ना तो बड़ी तड़प रही है अकेले। और अब देखते हैं, ये देखिए ये तो उससे भी बड़ी है जो पहले हमने देखी थी, उससे भी बड़ी है ये। तो चलिए चलिए मछली तो हमने देख ली, अब आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है ज़ू में। What the fuck is this? ये है EMU, पता नहीं क्या है ये, लेकिन आपको दिखा दे रहे क्या है। अच्छा अच्छा समझ रहे भाई लोग, शांत है बेचारा, ऐसा कोई देख ही नहीं रहा तेरा सालों के पड़े हुए जानवर हैं। हाँ आओ चलते हैं फिर आगे। तो भाई हम लोग अच्छे जानवर, इंग्लिश हम लोग बहुत आगे चला है लेकिन अभी तक शेर देखने को नहीं मिला है, तो उसी की तलाश है। शेर भी देखने को मिल जाए यार, मगरमच्छ भी मिल गया, बाघ भी मिल गया, लेकिन बाघ भाई साहब अपने घमंड में थे कि नेशनल एनिमल हैं तो इसलिए अंदर बैठे थे, बाहर नहीं निकल रहे थे, जबकि हम लोग उनके लिए रुपए खर्च करके आए इतना, तब भी देखो भेड़ की आँख। अब शेर देखें, शेर तो भाई जंगल का राजा है, देखें कुछ घमंड वमंड है कि नहीं कि वो बढ़िया है। वो भी भालू के जैसा बढ़िया था, भालू बढ़िया था वो वाला। वो देखो राउंड मार रहा था, रैंप वॉल कर रहा था, मॉडलिंग कर रहा था, अच्छे से दिखा रहा था अपने आप को। देखें अब शेर का क्या हाल है, पहले मिल जाए, इतना आगे चला है लेकिन साला देखने को नहीं मिला, अभी कहाँ छुपा बैठा है, डर गया क्या हम लोग से वे। सो अब हम लोग आ चुके हैं स्नेक हाउस में, आपको दिखाते हैं। ये था इंडियन कोबरा था क्या, अभी दिखा रहे हैं आपको है कहाँ पे। ये रहा, ये देखिए शांति में बैठा है लिपटा हुआ। रशियन वाइपर नाम तो बड़ा खतरनाक है, अब सांप भी देख लेते हैं कैसा है, कहाँ है भाई। ये रहा कोने में, देखने में काफ़ी कलाकारी से बनावट है इसकी। ये भी शांति से लेटा हुआ है, ये भी लेजी है, ये देखिए हमें देख रहा है चुप्पे चुप्पे साधा। सो ये है इंडियन ब्लैक कोबरा, अपना इंडियन वाला माल है। ये देखिए ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक है, उस क्या कर रहा है पेड़ के नीचे है। ये देखिए ब्लैक कोबरा। और ये है इंडियन रॉक पाइथन, मतलब अजगर, विषहीन, मतलब विष नहीं होता इसमें। कहाँ पे है भाई, कहाँ पे किधर है। ओ भाई ये बैठा ऊपर, देख सकते हैं आप कितना बड़ा है ये, आपके जैसे को तो आराम से निकल जाएगा, जितना भी बड़ा हो आराम से निकल जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। इसके पतलेपन पे मत जाइए, स्ट्रेचबल बहुत होती है उसकी बॉडी, तो निकलने में टाइम नहीं लगेगा। तो जहाँ भी मिले दूरियाँ बना लें इससे, पूरा पूरा निकल जाएगा, घर वाले ढूंढते रह जाएंगे। एक ये पड़ा साइड में। अब आते हैं अर्थ बुआ, मतलब दो बुआ सांप, इसके अंदर भी जहर नहीं होता है, सीधी होती है ये, और ये साइड में पड़ी हुई है अपनी, दो मुँह होते हैं इसके। तो अभी ज़्यादा हम दिखा नहीं सकते क्योंकि इसका जो मिरर है गंदा है, तो काफ़ी क्लियर आपको दिखा नहीं सकते। और अब आता है इंडियन रेड स्नेक, जो मतलब समझ रहे हैं आप, जो चूहे खाता है। सो चूहे खाने वाला ये स्नेक, एक नहीं कई हैं ये, देखिए एक ये है एक उधर है। ये देखिए दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कपल लग रहे हैं शायद, बातचीत चल रही है। वो शायद नाराज़ हो गया न हो गई पता नहीं, चलेगी उधर मुँह से मुँह हटा के। तो इसने खा भी हमने एक्सप्लोर कर लिया, अब तलाश है हमारे जंगल के राजा की, तो वो भी ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा कहीं ना कहीं छुपा हुआ बैठा होगा हमसे डर के। और ये जो आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं हिप्पोपोटेमस, जिसको हिंदी में बोलते हैं दरियाई घोड़ा, बहुत से लोग दरियाई घोड़ा के नाम से जानते हैं, बहुत से लोग हिप्पोपोटेमस के नाम से जानते हैं। तो मेरे ख्याल से ये माँ है और शायद उसका बच्चा है, पता नहीं अब अंदर है शायद, पता नहीं चल रहा, बच्चा ही लग रहा है। अभी हम लोग के आने से पहले तो हम लोग देखे नहीं, तभी लोग चिल्ला रहे बोल, लेकिन अब हम जब हम लोग आए तो शांत हो गए, पता नहीं डर गए हम लोग से क्या। आँखें देखिएगा इस कितनी खतरनाक हैं लोग, ये आँखें खतरनाक, ये भी लोग भी बहुत खतरनाक हैं। सो
सो आपको मिलाते हैं अब वर्ल्ड के फास्टेस्ट एनिमल्स, फास्टेस्ट बर्ड से। तो पता नहीं बार वो। ओए। वो तेरी बहन का ओए। और देख ले इधर। ओए। ला फोटो खींच दे। ला। हुस। आ। आ आ आ। का देख इधर देख। ओके देखो गाइस की वो गुस्से में इसका इसका आई फ्लू हुआ है परसों में बेचारा इसके भी हुआ है ओ पूरी फैमिली को हो चुका आई फ्लू नाराज हो गया भाई साहब बब्बर शेर का रास्ता दिख चुका है सो आइए अब आपको दिखाते हैं जेब्रा क्रॉसिंग जेब्रा क्रॉसिंग जिसके ऊपर बना हुआ है सो ये रहा जेब्रा क्रॉसिंग इसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग बनी हुई है देखो पहले ये वाइट हुआ करता था लेकिन ट्रैफिक वालों ने इसके ऊपर जेब्रा क्रॉसिंग बना दी देखिए कितना बेचारा परेशान है फाइनली बब्बर शेर के इलाके में हम आ चुके हैं तो ये देखिए ये रहा बब्बर शेर एक ही है और तो दिख नहीं रहे हैं शायद एक ही है ज़्यादातर मोस्टली मैंने देखे एक ही एक जानवर है ज़्यादा जोड़े उड़े नहीं मिले उनके एक ही जानवर है आराम कर रहा है शायद डरा हुआ भी लग रहा है हम लोग से तो इसको आराम करने देते हैं आप देखते रहिए ले जाओगे हाँ। ये शिकार करने ढूंढ रहा है साले परेशान करके रखा सोने नहीं दे रहा है इधर आ बेटा तेरा सालो एक बार बाहर छोड़ दो गोली भी धोनी चाहिए देख लिया और यहाँ पे हो जाता है जू का एंड